नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। आबू रोड में एक बार फिर सफाई व्यवस्था चरमाई। आबू रोड के कई वार्डों में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है, जिससे आए दिन लोगों को बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। जैसे जनजातीय परियोजना विभाग, पंचायत समिति आबू रोड, महाविद्यालय, जहाँ कई लोगों का आवागमन रहता है। ये आप सफाई के बारे में क्या करना चाहते हो इस वार्ड के लिए? नहीं करते, बोलने के बाद भी नहीं करते। जब वो मेंबर बोल के जाता है उस दिन करते, थोड़ी उसके बाद नहीं करते। तो कोई ध्यान नहीं है नगर पालिका का? ध्यान देते, सब देखो ना कैसा पड़ा है, ये सब नालियां भर रही है, गंदगी हो रही है, मच्छर करते हो तो सफाई पड़ी हो। चलो ठीक, आपको बोलते इसका वार्ड लगता है कोई 18 का, कोई 19 का, तब चोर का वार्ड चोर गड्ढी चोर बैठे, ये नाली सफाई हो रही है, पूरी गंदगी बड़ी है, पूरी कोई आता नहीं है बोलने वाला। कोई सफाई हो रही है काकी? सफाई कुछ नहीं हो रही, देखो सफाई है तो कोई नहीं आता, कुछ नहीं, कोई भी नहीं करता, कुछ भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सब गंदगी। देखो डाली कितनी भरी पड़ी, देखो तुम कोई झाड़ू मारने भी नहीं आता, देखो आके आके कचरा कितना पड़ा है, कुछ नहीं हो, देखो कचरा देखो वाला, हां वो कचरा देखो, सुनवान भाई नहीं है यहाँ पर, क्या सफाई, ऐसी गंदगी है, ऐसे ही ऐसे चल रहा है यहाँ पर, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, कोई नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, कुछ ध्यान नहीं दे रही नगर पालिका, कचरा पड़ा हुआ, गंदगी नाला बंद पड़ा पूरा पूरा। जो पंचायत समिति के सामने इतनी जो गंदगी है, इसका क्या हिसाब किताब है? ये 12 मास यहाँ पर इसी तरीके से गंदगी रहती है, कितनी बारी कंप्लेन भी लिखवा दी, कितनी बार अखबारों में दे भी गया, लेकिन ये गंदगी गंदगी यूँ की रहती है, पानी रोडों पर ही बेहतर रहता है, यहाँ पर नालों से पानी बेहतर रहता है, इसकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है, सड़क बनने के बावजूद भी यही यहाँ का खत्म हो जाएगा। भयंकर यहाँ की हालत अगर आप देखो ना, तो यानी आदमी रह नहीं सकता, ये कंडीशन है यहाँ पर। वार्ड मेंबर को बोल बोल के परेशान हो गए, वार्ड मेंबर भी आके एक ही चीज कहता है कि भैया मेरे नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं है, और सफाई कर्मचारियों को कहता है तो सफाई कर्मचारी कहता है कि भाई हमको पार्षद कहेगा वहाँ हम सफाई कराएंगे, ठीक है। अब बाकी तो आप खुद वार्ड की कंडीशन देख सकते हो। नगर पालिका के सफाई कार्मिकों और जिम्मेदार जन प्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण लोगों को गंदगी में रहना पड़ रहा है। जगह जगह पर गंदगी और कचरों के ढेर लगे रहने से आसपास के पशु कचरों के ढेर में से प्लास्टिक चुभती है, जिससे बेजुबान जानवरों को कई बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। नगर पालिका द्वारा सफाई हेतु टेंडर निकाल कर कार्य दिया जाता है, जो कागजों में तो होता है, लेकिन धरातल पर यूं ही गंदगी देखने को मिलती है। पालिका के कुछ पार्षद अपनी हट धर्मीयता से अपने घरों के बाहर तो सफाई करवा देती है, लेकिन भोली भाली जनता यूं ही गंदगी में रोजाना अपना समय निकाल रही है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए का बजट आता है, जिससे गांवों और शहरों की रोजाना सफाई की जाए, लेकिन आबू रोड का आलम देखकर तो नगर पालिका सवालों के घेरे में आती दिखाई दे रही है। देवनगरी न्यूज की टीम ने आज नगर पालिका के मुख्य जगहों पर जाकर देखा तो कई जगह गंदगी का आलम नजर आया। क्या इस खबर के बाद सफाई का कार्य निरंतर किया जाएगा? इंतजार सबको रहेगा। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।